हम लोग स्टूडेंट्स 8th क्लास के सेकेंड टर्म का 24th लेक्चर हमारा मैथ का है, जिसमें हम आज 5.2 को देखेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 6 इसको सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स को पार्ट वन जो दिया गया है x प्लस 3, और उसका दूसरा पार्ट जो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 से, ठीक है। जब हम सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो वो हम इस तरफ से शुरू कर रहे होते हैं, ठीक इस करते हैं हम इनके। अब इसको हमने शुरू करना है इस तरफ से, x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से, तो अब x की क्यूब हो जाएगा। हमें ये पता होना चाहिए जब हम x को जब वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उनके जो एक्सपोनेंट होते हैं ना वो प्लस होते हैं, लाइक यहाँ पर 1 था, अब 1 और 2 ये 3 हो जाएगा, ठीक है। x की जो एक्सपोनेंट है वो 3 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x से, ये माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ये प्लस 9x हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा। और ये ध्यान में रखना है आपने, जो एक्सपोनेंट है उनको वो सेम रखना है, लाइक इसको आप 3 के नीचे लिख सकते हैं, ये 2 के नीचे ही उसका एक्सपोनेंट 2 आएगा, ठीक है। अब 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है माइनस 3x से, ये आएगा माइनस 9x। उसके बाद 3 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 27 आएगा, ठीक है। अब इसको हमने प्लस कर लेना है, जैसे हम मल्टीप्लाई में करते होते हैं, ये वैसे आ जाएंगे, ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, ये भी आपस में क्रॉस हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का है, ये 27 जो है वो वैसे आ जाएगा। इसी तरह को सर इसके जो पार्ट नंबर 2 है, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 प्लस 5 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अरेंज कर लेंगे पहले इसी तरह में। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा, जो इसका एक्सपोनेंट है, कि हमें मैंने पहले बोला था जो उसके एक्सपोनेंट होंगे वो आपस में प्लस होते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7 से, माइनस 28 एक्स की क्यूब आ जाएगा, और 5 से करेंगे तो 20x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह माइनस 3x को फिर सबसे मल्टीप्लाई करना है, माइनस 9x की क्यूब प्लस 21x स्क्वायर माइनस 15x। इस तरह 1 को फिर सबसे मल्टीप्लाई करना है तो वैसी वैल्यूज आ जाएंगी सारी। अब इनको प्लस करेंगे 12x की 4, ये माइनस करेंगे, ये दोनों माइनस के हैं तो इसको प्लस कर के साथ जो साइन है वो माइनस के लगाएंगे हम। 37x की पावर एक्स क्यूब आ जाएगा, उसके बाद इनको प्लस कर लेंगे, इसको माइनस करके प्लस करके साइन माइनस के लगाएंगे, इसके बाद इसको प्लस कर लेंगे जी। इसके बाकी जो क्वेश्चन हैं वो आपने खुद कर लेने इसी मेथड से। और क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, पी और क्यू को। आप क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, सिंपलीफाई करें, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 उसको डिवाइड करेंगे एक्स माइनस 2 से, इसको सॉल्व कर लेते हैं आप जी। उसका जो पहला पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को उसको डिवाइड करेंगे एक्स माइनस 2 से, जिस जैसे सिंपल हम डिवाइड करते हैं वैसे कर लेंगे उसको अरेंज। एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स माइनस 6 उसको डिवाइड करेंगे एक्स माइनस 2 से। अब पहली वैल्यू हमारे पास है वो एक्स स्क्वायर है, तो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है वो एक्स है। इसको एक्स स्क्वायर बनाने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स से, तो यहाँ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है, एक्स स्क्वायर ये माइनस 2x। अब लाइन लगाएंगे वैसे ही, अब माइनस करते हैं, हमें पता है डिवाइड में ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से, तो ये जब माइनस करेंगे इनको तो जो इनके साइन है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में, अब ये कट जाएंगे आपस में। उसके बाद ये प्लस 3x हो जाएगा और माइनस 6। उसके बाद जहाँ x दिया गया है हमें 3x चाहिए, तो इसको मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये 3x माइनस 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, तो उसको यहाँ लिख देंगे, उसके साइन चेंज कर देंगे, ये आपस में ये भी कट जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ नीचे क्या बचेगा, 0। इसके बाकी जो क्वेश्चन है वो भी सेम आपने इसी तरह कर लेने हैं जी। अब ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं, पेज नंबर 96 पे, यूनिट 5 की। पहला क्वेश्चन है, फोर ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट वन, ठीक है। जो पहला है हमारे पास 4x प्लस 2y प्लस 3z जी, इसके ऑप्शन देख लें आप। पहले का हम देखेंगे उसका ए एक्सप्रेशन, दूसरे का बी वेरिएबल, थर्ड का है वो 3 आएगा, फोर का जो है हमारे पास वो सी आएगा, फाइव का हमारे पास बी आएगा, फिफ्थ का हमारे पास बी, और सेवन्थ का बी, एट्थ का भी बी आएगा, नाइन का बी, और जो 10 है उसका 4 आएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपने बताना है पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री बतानी है। पहला है पॉलिनोमियल है वो और डिग्री उसकी देखेंगे तो वो मोनोमियल, दूसरा जो है हमारे पास वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, जो थर्ड है वो कांस्टेंट है, जो फोर्थ है वो बाई क्वाड्रेटिक है क्योंकि उसके पास एक्स की पावर 4 है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।